Hello everyone, welcome to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201T, and here we are in lecture number 10 of unit number 1. इन द प्रीवियसेंट टॉपिक्लम्पर जी हाँ सर्किट देन उस टाइम पे किस तरह से आपका आउटपुट लेवल जो है वो शिफ्ट हो जाता है और उसमें हमने दो टाइप के क्लांपर डिस्कस किए थे विद एन मार्कल प्रॉब्लम दैट इज वॉट इज पॉजिटिव क्लापर एंड क्लैम्पर नाउ बेस्ड ऑन दिस क्लैम्पर कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करना है और आप यहाँ पे डिफरेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे लाइक like, डबलर क्या होता है ट्रिप्लर क्या होता है क्वार डब्लर क्या होता है सो वन बाय वन हम इनकी वर्किंग को देखेंगे इनके सर्किट को समझेंगे तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन वोल्टेज मल्टीप्लायर सो इज वोल्टेज मल्टीप्लायर तो जैसा कि पे लिखा है है वोल्टेज वोल्टेज मल्टीप्लायर एक ऐसा सर्किट अ इक्वल टू अ मल्टीपल ऑफ द द पीक इनपुट वोल्टेज जी एज नेम दी वोल्टेज मल्टीप्लायर तो एक ऐसा सर्किट जो कि इनपुट आप अगर वीएम लगा रहे हैं तो उस वीएम से टू वी एम जनरेट कर यानी डबल कर दे उस वोल्टेज को या ट्रिपल कर दे उस वोल्टेज को या फोर टाइम्स कर दे उस वोल्टेज को डेट टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज मल्टीप्लायर यानी इनपुट को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर दे

एज इट इज क्वेश्चन उठते हैं कि explain the working of voltage या डबलर डबलर किसी भी working आपको कराई जा पेपर, चलिए सबसे पहले देखते हैं डबलर किस तरह से वोल्टेज डबल हो रही है और जैसे कि मैंने बताया इससे पहले क्लैम्पर टॉपिक तो क्लैम्पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लैम्पर का बेसिकली अप्लाई होता है

That means when the input is in positive half cycle, diode D1 is forward bias. यानी कि short circuit हो गया. इसके short circuit होने की वजह से ये क्या हो जाएगा D2? ये D2 हो जाएगा. Open circuit, open circuit because अगर आप यहाँ positive terminal कलेक्ट करें तो this is negative terminal, तो this is basically reverse bias and open circuit. तो इसके open circuit होने की वजह से आगे का connection तो आपका खत्म हो गया. So हमारा ये short है. So in due to this voltage supply यहाँ पे जो flow करेगा, ये capacitor हमने पढ़ा था कि आपका इस वोल्टेज के इक्वल चार्ज हो जाएगा तो so, VC? VC so, ये इनपुट सप्लाई के इक्वल चार्ज हो जाता है तो so, अगर हम इनपुट वोल्टेज यहां हैं फॉर एग्जाम्पल सो यहाँ पे, so पे रिप्रेजेंट किया गया है दिस कैप्सर इज चार्ज टू दिस वी एम वोल्टेज ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल राइट अब केस आता है पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने कंसीडर कर ली नाउ कंसीडर द नेगेटिव हाफ साइकिल तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे सो नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है ये डाउट वन क्या हो जाएगा ओपन सर्किट राइट बिकॉज इट इज रिवर्स बास एंड दिस डाउट वन बिकम्स अ शॉर्ट सर्किट बिकॉज नाउ इट इज फॉरवर्ड बैस सो मींस सर्किट कैसे बनने वाला है सर्किट मुझे दिखाई देगा कुछ इस तरह से ये कैप्सर है आपका एज इट इज यहां डाव डी वन आपका ओपन हो चुका मैं उसे कनेक्ट नहीं कर रहा डी टू हमारा शॉर्ट हो चुका दिस इज द कैप्सर सी टू और ये है हमारे इनपुट सप्लाई दैट इज वी आई राइट right? और ये कैपेसिटर हमारा वीएम वोल्टेज तक ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ में चार्ज हो चुका नाउ व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर सपोज इसे तो की वैल्यू आ ऑफ टू तो अगर हम यहां पे अप्लाई करें केवीएल तो दिस इज द इनपुट वोल्टेज VI माइनस ऑफ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव दिस इज VC1 तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ VC1 माइनस ऑफ VC2

बट अगर आप यहां पे देखें तो सर्किट में क्या वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन करी है जहाँ हाँ यहाँ पे मेंशन मैंने करा है ट्वाइस वी एम हमने कंसीडर किया था दिस टर्मिनल पॉजिटिव एंड टर्मिनल इज नेगेटिव बट अब की बार आप सर्किट में पोलारिटी अपोजिट है terminal, terminal तो इस वजह से यहाँ पे टू वी एम रिप्रेजेंट किया बिकॉज अगर मैं यहाँ माइनस टू वी एम रिप्रेजेंट करता सो so उस केस में यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होता वी नॉट इक्वल टू क्या होता है हम यहाँ पेजिटिव टर्म नेगेटिव कर रहे हैं and this is positive, तो अगर हम के वी एल अप्लाई करते हैंज साइन like तो uh, कैसा होगा माइनस ऑफ वी नॉट हो गया ना? तो दिसम दिस इज माइनस ऑफ वी नॉट और जब कैप्सर से बाहर निकलेंगे तो इसकी वोल्टेज क्या है दिस इज अगेन माइनस ऑफ वी सी टू इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू जीरो सो वी नॉ इज इक्वल टू क्या बनेगा वी नॉट इज इक्वल टू बनेगा माइनस ऑफ वी सी टू एंड वी सी टूज चार्ज अब टू माइनस ऑफ टू वी एम तो यह वैल्यू बन जाएगी आपकी प्लस टू वी एम राइट सो पोलार्टी से कंफ्यूज मत होइएगा यहां पे इतना जो मैंने आपको इन डिटेल क्लैम्पर पार्ट यहां पे सिखाया है कि बेसिकली कैप्स कैसे चार्ज हो रहा है वो आपको लगे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अदरवाइज इसकी जो वर्किंग एक्सप्लेन होती है वहाँ पे केवल दो लाइन का सेंटेंस लिखा जाता है क्या कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल थी डाउट डी वन कंडक्ट करेगा डी टू कंडक्ट नहीं करेगा सी वन चार्ज हो गया वी एम तक अब जब उसके नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ड्यू टू दिस नेगेटिव वैल्यू एंड ड्यू टू दिस सी वन यानी दोनों वैल्यू की वजह से क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हैं इन दोनों की वजह से ये आपका

ट्वाइस वोल्टेज जनरेट कर दे रहा है अब अगर इसी सर्किट को मैं ट्रिपलर सर्किट बनाना चाहूँ तो जस्ट इसके आगे एक और कैपेसिटर विद कॉम्बिनेशन एड कर दीजिए ये डबलर यहां तक है सी वन डी वन देन उसके टू तो ये आपका डबलर सर्किट है राइट right? अब इस डबलर सर्किट के आगे हमने एक और कैपेसिटर विद डाउर सर्किट कनेक्ट कर दिया नाउ इट बिकम्स अ ट्रिपलर सर्किट हाउ तो इसकी वर्किंग बिल्कुल एज इट इज जैसे अभी हमने डबलर की वर्किंग पढ़ी है सेम डबलर तक की वर्किंग आप यहां पर रिप्रेजेंट करोगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका डाउ डी1 ऑन होता है डाउ डी1 ऑन डाउ डी2 ऑफ एंड सी1 इज चार्ज्ड टुवर्ड्स वीएम राइट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो यहाँ पे डी वन जो है वो ऑफ हो जाएगा डी टू जो है वो ऑन हो जाएगा ये ऑन हो जाएगा तो उससे हमारा सी टू जो है वो टू वी एम तक चार्ज हो जाता है

जाएगा और c3 चार्ज हो जाएगा ट्वाइस vm तक राइट और उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी जहां पे d1 आपका फिर ऑफ हो जाएगा d2 ऑन होगा और उसके बाद d3 आपका ऑफ हो जाएगा और d4 हो जाएगा, राइट सो ये आपकी फोर्थ साइकिल है जो एक तरह से क्वाडरपलर में इंक्रीज कर जाती है कि ड्यूरिंग दिस साइकिल d1 ऑफ राइट डी वन ऑन ये पाथ बना ये ऑफ है और ये ऑन है तो अल्टीमेटली सी वन में जो वैल्यू थी डैट इज वी सी टू में जो वैल्यू डाट इज सी सी थ्री में जो वैल्यू डैट इज ट्वाइस वी एम तो सी वन विथ सी थ्री की वैल्यू सी वन तो सी टू को चार्ज करने में यूज हो रहा है जो सी थ्री में ट्वाइस वी एम है दिस विल बी चार्ज योर सी फोर राइट सो अल्टीमेटली अगर मैं साइकिल को इन शॉर्ट यहाँ पे समराइज करूं तो सबसे पहले यहाँ पे C1 वन चार्ज होता है C1 वन के इक्वल चार्ज होता है वही सी और इनपुट वोल्टेज नेगेटिव आपके मिलके C2 को चार्ज करते हैं C2 हमारा ट्वाइस वीएम तक चार्ज हो जाता है Now the half cycle आती है तो केस में आपका D3 थ्री ऑन होता है सी टू की वजह सेक्स्ट आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी फोर्केंड ने cycle, तो इस वी इनपुट नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से सी इनपुट टू वी एम तक चला गया और इस सी थ्री जो यहां टू वी था इस टू वी की वजह से आपका डी फोर ऑन हो रहा है और ये आपका सी को चार्ज कर देगा राइट सो दिस इज द वे हाउ द क्वायर वर्क और वोल्टेज जो यहाँ पे फोर वी एम मिल रही है वो कैसे मिल रही है इस सी टू के क्रॉस टू वी एम है और सी फोर के क्रॉस टू वी एम है इन दोनों के क्रॉस जो टू वी एम वोल्टेज डेवलप हुई देन वी गॉट द फोर वी एम इन टोटल आफ्टर कंप्लीटिंग टू इनपुट साइकिल पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ उसके बाद हमें जाके वोल्टेज क्वायर ट्रपलर में आउटपुट मिलता है राइट तो दिस आर द सिंपल सर्किट्स और उनकी वर्किंग है ये एज इट इज एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती है तो सर्किट की वर्किंग अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा और पॉइंट वाइज जितना आप लिखेंगे उतना ही बहुत अच्छा होता है हमें याद करने के लिए भी वर्किंग को इजिली डिफाइन करने के लिए भी राइट फर्स्ट वन इज द सर्किट उसके बाद उसकी वर्किंग